सांसद बनाना है या नहीं बनाना है, तो भैया ऐसी आवाज नहीं चलेगी। माताओं बहनों सभी मेरे साथ हाथ उठाइए, उठाइए हाथ, स्टेडियम में बैठे वो भी हाथ उठाएं, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की जय, श्री राम जय, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित श्री के एस नवीन जी, श्री एम आर पाटिल जी, श्री महेश जी, एम नागराज जी, एस बी संकनूर जी, प्रदीप सेट्टार जी, लिंगराज पाटिल जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री यत्नाल जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, मेरे प्रिय मित्र और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, जोर से ताली बजाओ जोशी जी के साथ। और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं सबसे पहले ताई भुवनेश्वरी को राजधानी सवाई गंधर्व भीमसेन जोशी को मन पूर्वक याद करकर मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, ये चुनाव जो 2024 का है, ये ऐतिहासिक चुनाव, चुनाव में दो खेमे पड़ चुके हैं, एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करप्शन करने वाली कांग्रेस पार्टी है, और दूसरी बार 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बाद भी जिन पर 25 पैसे का आरोप नहीं लगा, ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी। एक और गर्मी बढ़ते ही विदेश जाकर वैकेशन करने वाले भाई बहन है, पहचानते हो ना भाई? अरे पहचान तो है, नहीं पहचानते हो? पक्का पहचानते हो ना? एक और विदेश में वैकेशन करने वाले भाई बहन है, और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर सरहद पर जवानों के साथ दीपावली मनाने वाला नरेंद्र मोदी। एक और पीएफआई पर बैन लगाने वाले नरेंद्र मोदी है, और दूसरी ओर एसडीपीआई का समर्थन लेने वाली कांग्रेस पार्टी है। भाइयों बहनों, ये दोनों के बीच में तय करना है कि अगले 5 साल तक इस देश का प्रधानमंत्री कौन हो, इस देश का शासन किस पार्टी के साथ। मुझे बताओ हुबली धारवाड़ वालों, आप किसको पसंद करते हो? जोर से बोलो, किसको करते हो? और जोर से बोलो, किसको करते हो? अरे सिर्फ हुबली धारवाड़ नहीं, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, बंगाल हो या गुजरात, मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, कर्नाटक हो या तमिलनाडु, सब जगह मोदी 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 के नारे लगे। भाई बीच में घूमे वगैरह साथ में जाओ। चारों ओर देश भर ने तय किया है कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ
मोदी जी को जिताना है। और मैं आज यहां प्रहलाद भाई को जिताने के लिए अपील करने नहीं आया हूं। हुबली दरबार वालों, प्रहलाद जी को इतने वोट से जिताइए कि अगले बार प्रहलाद के सामने कोई पर्चा डालने की हिम्मत न करे। हिम्मत ये प्रहलाद भाई ने ही तिरंगे के लिए इसी भूमि पर से आंदोलन छेड़ा था। और प्रहलाद भाई के आंदोलन से शुरू हुई तिरंगे के सम्मान की यात्रा आज मोदी जी ने कश्मीर के लाल चौक के अंदर भी तिरंगा फैला। मुझे बताओ हुबली धारवाड़ वालों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं कर्नाटक राजस्थान वालों को कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खड़गे साहब, आप पस्सी पार कर गए मगर कर्नाटक वालों को जान नहीं पाए। मेरे हुबली धारवाड़ का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अपने अनोरस संतान की तरह गोदी में खिलाती रही, वोट बैंक की राजनीति करती रही। मोदी जी को आपने 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। भाइयों समाप्त। अरे राहुल बाबा उस वक्त पार्लियामेंट में खड़े हो गए। कई बार तो मुझे लगता है ये पार्लियामेंट में न बोले तो कांग्रेस पार्टी का भला हो जाए। ये खड़े हो गए, खड़े होकर बोले 370 मत हटाओ। मैंने पूछा क्यों न हटाए भाई? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा 5 साल हो गए, 5 साल खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने